How many months of current affairs would be sufficient for 2023 examination? Ideally, ये कहा जाता है कि 2023 या कोई भी prelims के लिए June 2022 onwards, June 2022 से लेकर May 2023 तक के current affairs आपको पढ़ने चाहिए, 1 year के. लेकिन मेरी यानी जतिन वर्मा की अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है. पिछले काफी सालों से मैं करंट अफेयर्स राउंड अप करते हुए आ रहा हूँ, और जो भी आज हैसियत है, जो भी आज ये इंस्टीट्यूशन है, डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस की वजह से जेवीज आईएएस आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो अपने उस तरीके को जो मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. करंट अफेयर्स के लिए जून 2022 से मई 2023 में जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है, उसके पीछे के जो कनेक्शंस हैं, उसके पीछे के जो तार हैं, जो रिलेटेड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपको उनको पढ़ना चाहिए, राइट. और कोई भी अच्छी मैगजीन, हमारी जेवीज आईएएस की मैगजीन भी पीछे की जजमेंट्स का एक बैकग्राउंडर, एक कॉन्टेक्स्ट आपको देती है, उस कॉन्टेक्स्ट को आपको पढ़ना है. इनडेप्थ आर्टिकल्स रहते हैं हमारी मैगजीन में, और इस मंथ से हमने अपनी मैगजीन में कुछ और फीचर्स भी ऐड करे हैं, ऑप्शनल रिलेटेड PSIR, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पबएड ऑप्शनल रिलेटेड आर्टिकल्स भी उसमें रहेंगे, मैप स्टडी भी रहेगा और क्विज भी रहेगा, मंथली क्विज.